और मेरे हस्बैंड ने पता क्या कर रहे हैं, कपड़ों पे शेविंग कर रहे हैं। गुड इवनिंग एवरी वन, वेलकम टू इंडियन मॉम ज्योति। तो आज मैं अपना व्लॉग ना शाम से शुरू कर रही हूँ, अभी चाय का पानी रख कर आई हूँ। और आज मैं ना दोपहर में सो गई थी तो चादर जो है वो ठीक करी है, और कुछ कपड़े थे तो उनकी भी तह लगा ली थी। और मैं उठी थी 5 बजे करीब, आज थोड़ा सा लेट हो गई हूँ। तो बस अभी जो आप सबको पता ही है कि मेरा शाम का क्या रूटीन होता है, वही चाय बनाना, झाड़ू लगाना, तो चाय भी बन रही है तो मैं दूध डालकर तो आ गई हूँ। तो धीरे कर दिए मैंने गैस, तो आराम से पकती रहेगी, और जब तक चाय अच्छे से पक जाती ना चाय में, तभी मज़ा आता है, मतलब स्वाद आता है। सॉरी, तो चलिए फटाफट से मैं चाय भी पी लेती हूँ। गुड आफ्टरनून, मैं टेढ़ी दिख रही हूँ? अरे तुम बेटा, तुम ऊपर बैठ जाओ, तुम्हारे तो ठंड है अभी। ऊपर नीचे बैठ गई, और मेरे हस्बैंड ने पता क्या कर रहे हैं, कपड़ों पे शेविंग कर रहे हैं, कपड़ों पे। अरे वो होता है ना, क्या कहते हैं, जो कपड़ों पे, ऊनी कपड़ों पे जो रुए रुए से निकल आते हैं, तो वो शेविंग से ना निकल जाते हैं, तो वो कर रहे हैं, वो साफ कर रहे हैं अपने कपड़ों पे। कह रहे रखने से पहले ये काम कर लेता हूँ, और जब वो निकालेंगे ना तो उनको अच्छे से मिलेंगे, बिल्कुल। बहुत दिमाग चलाते हैं। गुड इवनिंग बोला, गुड इवनिंग। और हम देख रहे हैं अभी भूत का नाटक। अभी चाय के बर्तन साफ नहीं करके आई, मैंने कहा पहले बैठ जाओ, बहुत अच्छा लग रहा है नीचे जमीन पर, ठंडा ठंडा। और गर्मी आ चुकी है, गर्मी स्टार्ट हो चुकी है, स्वेटर नहीं पहना हुआ मैंने बिल्कुल भी। इस लड़की ने तो पूरी सर्दी नहीं पहनी, पूरी सर्दी नहीं पहनी उसने तो, स्वेटर ना सॉक्स, एक कपड़ों में मेरी लड़की ने एक कपड़ों में वो बिछाया है। आलू बल रहे हैं, उस छोटे वाले आलू होते ना वो बालने के लिए। सुनो, अगर आपके कपड़ों में शेविंग हो गई हो तो वो गैस बंद कर दो। छोटे वाले आलू होते है ना, तो वो मैं उबाल रही हूँ, क्योंकि आज मुझे बनाना है दही आलू की सब्जी, क्योंकि आज बिना लहसुन प्याज की सब्जी बनेगी, क्योंकि आज दुर्गाष्टमी है ना, तो हम हमेशा ही दुर्गाष्टमी पूजते हैं, अंकियारी वगैरह जलाते हैं। बैग, अरे हाँ, मैं तो आपको एक चीज बताने भूल गई, आर्ना का एडमिशन हो गया है उस स्कूल में, तो आर्ना बहुत खुश है। अच्छा, इसके ये अपना बैग भी दिखा रही है, दिखा 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 दिखा, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, ये है आर्ना का बैग। और एक मिनट, ये ऐसे छुपाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे स्कूल का नाम है, तो ऐसे अच्छा नहीं लगता। तो आर्ना के बैग है, और ना इसकी बुक्स वगैरह भी मिल गई है आर्ना को। बेटा एक मिनट में आप दिखा देती हूँ, मैं आपका काम आसान कर रही हूँ बेटा। ये देखिए, ये आर्ना की बुक्स मिल चुकी है, जो कितनी है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 एक बुक है इसके अंदर, और ये जाएगी मंडे से। और बेटा नहीं, आर्ना आज आपको बहुत कुछ दिखाएगी, तो प्लीज आर्ना की हर चीज देखना। ये देखिए, ये है आर्ना का, इसमें रखे जाएंगे पेंसिल, पेन वगैरह, और कुछ भी जो भी रखना हो। तो ये बहुत क्यूट लग रहा है ना आर्ना, इधर आओ बेटा, यहाँ पे दिखाओ, आप अपने हाथ से दिखाओ तो सब देखेंगे बेटा। ये देखो, ये है बटरफ्लाई। हाँ, इसके अंदर पेंसिल रखती है, ठीक है। तो बस अभी मैंने सोचा चलो आप सबसे बात कर लेती हूँ, और टाइम हो रहा है 6:15,
खाना वाना बनाने जाऊंगी। चाय के बर्तन साफ नहीं किया तो चाय के बर्तन हैं क्योंकि आलू उबल चुके हैं। बंद कर दी ना गैस, चिमनी नहीं बंद करी आपने, वो जलती रहेगी, बिल आएगा कितना सारा। चलो करते हैं काम और मैं बंद कर रही हूँ। और ये ना मार्केट जा रहे हैं क्योंकि दही है नहीं, दही फिनिश हो चुकी है। तो आलू ठंडे हो गए थे, उबल गए थे ना, तो एक सीटी लगाई थी क्योंकि छोटे आलू है ना तो जल्दी उबल जाते हैं, एक सीटी में ही उबल जाते हैं ये। और अभी मुझे इनको, इनके छिलके उतारने के बाद ना इनको मुझे थोड़ा सा फ्राई करना है क्योंकि आज मैं बनाने वाली हूँ वो वाले आलू, क्या बोलते हैं, पुदीना आलू। और वैसे तो दही आलू दूसरे होते हैं बट इसमें दही भी डलती है, बट इसका, इस वाली डिश का नाम है दही वाले आलू। तो देखिए मैंने इसमें रिफाइंड डाल दिया है और बस अभी मैं इनको सारे आलू डाल दूँगी और बस गैस को ना कम कर दूँगी ताकि धीरे धीरे ये अच्छे से फ्राई हो जाएंगे, चलाने की ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि आलू जो है ना वो उबले हुए हैं। और वैसे तो मैं हमेशा ही ना क्या कहते हैं उबाल के नहीं बनाती हूँ, वैसे ही फ्राई करके बनाती हूँ, और आज थोड़ा सा जल्दी था क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया था ना, तो इसलिए मैंने ना आलू को उबाल लिया था। तो अभी आलू जो है फ्राई हो रहे हैं, तो जो कपड़े मैंने तय लगा के रखे थे ना तो उसको भी मुझे रखना है। और अब मैं सोच रही हूँ कि मैं अपने ठंड के कपड़े ना उठा के रख देती हूँ क्योंकि अब इतनी ठंड तो होती नहीं है, मेरे हस्बैंड ने तो उठा के रख दिए हैं। और अभी जो कबर्ड है ना वो भी काफ़ी मैसी हो गया है क्योंकि एक क्या होता है ना ठंड के कपड़े जो होते हैं थोड़े मोटे होते हैं तो इतनी जगह नहीं मिल पाती है, इतने सारे कपड़े होते हैं, और जो गर्मी के कपड़े होते हैं वो पतले पतले से तो होते हैं तो उसको कम जगह में भी रख देते हैं ना तब भी वो आराम से सेट हो जाती है। तो चलिए मैं देख कर आती हूँ कि क्या हाल है आलू का। और अभी आलू जो है ना अच्छे से फ्राई भी हो चुका है तो बस अभी मैं इनको निकाल लूँगी। और अभी बीच में जो है ना मुझे दही भी एक कटोरी में रखना है, अच्छे से उसको फेंटना है क्योंकि बिना फेंटे अगर डालूंगी ना तो दही फट भी सकती है। तो हमेशा ही जो कुछ भी अगर आप बना रहे हो तो हमेशा ही दही को, जो दही वाली चीज़ होती है, हमेशा ही फेंट के डालो तो वो अच्छे से हो जाएगा, मतलब फटेगी नहीं। तो अभी जो है ना रिफाइंड मैंने डाल दिया है दोबारा से और इसमें मैंने सौंफ ली है, जीरा नहीं डाला है, सौंफ ली है। और इसमें उसके बाद मैंने कूटी हुई काली मिर्च डाल दी है और गैस को ना मैंने बंद कर दिया है क्योंकि मुझे दही डालनी है, अगर मैं गरम गरम तेल में दही डाल दूंगी ना तो दही जो है ना फट जाएगी, तो इसलिए मैंने गैस को ना बंद कर दिया है। और जो दही है उसको भी मैंने फेंट लिया था, तो देखिए एक कटोरी दही है, अच्छे से मैं उसको निकाल लूँगी और इसको भी अच्छे से चला लूँगी ताकि जो दही है वो फटेगी नहीं। और बस अभी इसमें मुझे कुछ नहीं और कोई मसाले नहीं डालूंगी नमक के सिवा, सिर्फ नमक डालना है। तो बस इसमें मैंने काली मिर्च, सौंफ और नमक डाला है। अगर आप सब भी बनाते हो तो एक बार ज़रूर ऐसे बनाना। तो बस अभी जो है मैंने दही को अच्छे से चला लिया है, तो देखिए ये है पुदीना, पुदीने का बहुत ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है, इसको तुरंत इसमें डाल देना चाहिए। और एक उबाल जब आ जाए ना तो इसको इसमें आलू डाल देना चाहिए। तो मेरा जो है था ना उबाल आ चुका था और मैंने स्किप कर दिया था, तो बस इसमें 5 मिनट तक इसको ऐसे ही रखो और बस ये पक जाएगा, सारा जितना भी दही का फ्लेवर है ना वो आलू के अंदर आ जाएगा। तो बस अभी मैं इसको ढक के पका, मतलब 5 मिनट तक पकाऊंगी। और अभी जो मेरी लिविंग रूम की हालत है ना बहुत ख़राब हो जाती है, और मैं ये तो काम समझ लो मेरे दिन में 4-5 बार ही होता है क्योंकि अब जो टीवी है ना वो लिविंग रूम में वापस आ गया है, अपनी जगह पर ही आ गया है। तो जाहिर सी बात है कि लिविंग रूम में टीवी आ गया है तो फिर लिविंग रूम तो गंदा ही रहेगा, तो बहुत ये तो मेरा काम ही है अब तो। मेरे ये तो है 4-5 बार तो लिविंग रूम को मैं साफ़ कर देती हूँ। तो बस अभी जो है ये हो चुका है और आना का स्कूल भी शुरू हो गया है तो वो मंडे से जाएगी, तो मेरा जो रूटीन है वो थोड़ा सा और अलग हो जाएगा, तो मंडे को थोड़ा सा मुझे और जल्दी उठना है। तो अभी ये पूजा कर रहे हैं ना तो बस थोड़ा सा मैंने हाथ जोड़ लिया था और आरना के जो बुक्स वगैरह हैं और क्या चीज़ें हैं आरना के लिए, टिफ़िन भी देखना है, वैसे तो टिफ़िन जो था वो रखा हुआ था बट एक और देखूँगी। और देखिए आलू जो है ना बिल्कुल अच्छे से बन चुके हैं और इसका जो कलर है बिल्कुल बहुत अच्छे से निकल कर आया है। तो चलिए मैं इसको ढक दूंगी एक बार और ना गैस को मैं बंद कर दूंगी।
डिनर हो गया है, तो बर्तन भी मैंने साफ कर दिया है, किचन भी क्लीन हो चुकी है। बस थोड़े से बर्तन जो हमने खाए थे ना, वही दो चार बर्तन थे। एक बर्तन तो मैंने पहले ही साफ कर चुकी थी। और आरना जो है ना, वो बाहर जाने के लिए बोल रही थी, मतलब ग्राउंड में। तो मैंने सोचा कि चलो मैं उसको आधा एक घंटा लेके जाती हूँ, तो थक जाएगी ना, तो आके जल्दी सो जाएगी। वो बाहर जो थी ना, हवा ठंडी ठंडी चल रही थी, ज़्यादा तो नहीं चल रही थी, बट बच्चों के लिए तो ठंड है अभी, है ना। तो सुबह शाम की थोड़ी बहुत ठंड लगती है। मैंने सोचा कि चलो उसको जैकेट पहना देती हूँ, और फिर मैं अपने लिए भी देखूंगी। बट फिर मैंने निकाले नहीं, क्योंकि आधे जो कपड़े थे ना, वो मेरे मतलब धोने के लिए रखे हुए थे, तो उसको तो मैं कल ही धोऊंगी, अभी तो नहीं धोऊंगी। क्योंकि जैकेट वगैरह जो है ना अपने, स्वेटर, तो उनको मुझे सबको वॉश करके ही रखना है। हस्बैंड के तो मैंने रख दिए हैं, उनके मतलब कपड़े जो थे धुल चुके थे, तो बस मेरे और आरना के रह गए हैं। तो चलिए मैं उसको लेकर जाती हूँ बाहर। और बाहर मतलब बहुत कम लोग थे, ज़्यादा तो थे नहीं, क्योंकि टाइम ही 9:30 का टाइम हो गया था, और ये अपने फुल मस्ती में जा रही थी। बस यही है। और आज की जो सब्जी थी वो बहुत अच्छी बनी थी, और बस ये अपना एंजॉय कर रही है। तो चलिए मैं अपना वीडियो भी यहीं पर ही एंड कर रही हूँ। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, है ना। और बस यार लाइक जरूर कर दिया करो, थोड़ा सा ना अच्छा लगता है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और अभी आरना थोड़ा सा और खेलेगी, उसके बाद फिर हम घर जाएंगे। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, बाय बाय।